हाथरस में एक लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध में पुलिस की तरफ शक। प्रशासन की संवेदनहीनता के बाद अब राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को अपनी दूसरी कोशिश के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत मिल ही गई। उसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जल्द ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। मायावती भी इस मामले को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है और फिर ममता बनर्जी को कैसे भूल सकते हैं। ममता बनर्जी भी तो इस मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और उग्र रूप देना चाहती हैं, जिस पर उन्होंने कहा था कि हाथरस में एक युवा दलित लड़की के साथ हुई बर्बर और शर्मनाक घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उसके बाद पीटीआई के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी भी पीड़ित परिवार से मिलने का मन बना रही। कोलकाता में हुए प्रोटेस्ट में ममता बनर्जी ने चीख चीख कर ये बात कही। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके प्रदेश में अब तक न जाने कितने बीजेपी नेताओं की हत्या की जा चुकी है, जिसके खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आए दिन दीदी के बंगाल से उनकी बीजेपी से बगावत के सबूत देखने को मिलते ही रहते हैं। वही ममता बनर्जी हाथरस कांड पर पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं, जिसका जवाब उन्हें किसी बीजेपी नेता ने नहीं बल्कि मशहूर कवि और आपके बागी नेता कुमार विश्वास ने दिया है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने ममता दीदी पर तंज कसते हुए कहा है, हमारी यूपी सरकार की लानत मलानत हम कर रहे हैं, कर लेंगे दीदी। आप पहले गुरुदेव रविंद्र के बंगाल को तो ठीक से संभाल लो। राजनीतिक हत्याओं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बुआ भतीजे बाहर आओ और जो काम मिला है वो करो। यहाँ पर कुमार विश्वास का बुआ से मतलब ममता बनर्जी से था और भतीजे का मतलब था अभिषेक बनर्जी, जिन्हें साल 2014 से एक सांसद के तौर पर जिम्मेदारियां मिली हुई है। हालांकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभाया है वो उनसे बेहतर और कौन जानता होगा। आगे केजरीवाल के बहाने दीदी पर तंज कसते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि जल्दी पीएम बनने के चक्कर में आपके कई उतावले भाई बर्बाद हो लिए दीदी, आप तो बचो। यहां पर कवि कुमार विश्वास का उतावले भाई से मतलब केजरीवाल से था। आपको बता दें कुमार विश्वास खुद इस कांड से बुरी तरह आहत हैं। उन्होंने फेसबुक पर इसके लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, लेकिन वो ये कतई नहीं चाहते कि इसको लेकर कहीं पर भी राजनीति हो। कांग्रेस सपा बसपा और बीजेपी को यहां पर राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो यहां की सत्ता में एक्टिव पार्टियां हैं। लेकिन ममता बनर्जी भला यूपी में हुए इस कांड को लेकर कहां सिंपथी दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो खुद कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती। बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या के आंकड़े आपको डरा देंगे। टीएमसी के गुंडों के हौसले ममता दीदी के राज्य में इतने बुलंद हैं कि जुलाई महीने तक 79 बीजेपी नेताओं की हत्या की जा चुकी है, लेकिन कहीं पर भी इसके लिए ममता सरकार संवेदनशील नजर नहीं आती। और जब उन्होंने हाथरस कांड को लेकर अपनी राजनीतिक चिंता दिखाई तो डॉक्टर कुमार विश्वास को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने दीदी पर तो तंज कसा ही, साथ ही उनके भतीजे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या ममता दीदी का इस मामले में हस्तक्षेप करना आपको सही लगता है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।